भैया बोल तो दिया, पर निकाले कैसे इसे? और की रोड की कंडीशन देखो रोड। हाँ भाई तूने दिल जीत लिया, पूरा मजा आया। मतलब ये बंदा सच में बड़ा ही जेन्युइन बंदा है। ब्रेक मार के फिर भी गाड़ी खुद ही ऐसे स्लिप हो रही, आगे दोनों पांव घिस घिस के रुकनी पड़ रही थी। बाकी किसी टाइम तो गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम क्या हुआ? गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मैं उठ रहा हूँ, इसको ठंड लग रही। 8 बज गए ब्रदर, मेरे को पता था साले 8 बजेंगे। कुंभकर्ण साले। छोड़ा है जान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हमारे। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर वादिया, फिर दुआ दुआ तनहर बदली चली। ये थी गाइस अपनी लोकेशन जो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखी होगी। हाँ हम भाई, लोग सोए, हम लोग मतलब टेंट टेंट जगह लगाए थे जहाँ पे एक भी बर्फ नहीं थी, और रात में इतनी बर्फ पड़ के पूरा एरिया कवर हो गया। यहाँ पे इस पेड़ के नीचे हम लोगों ने कैंप किया था। अभी भी लोगों की आवाज़ आ रही है, लोग रह रहे होंगे ना ऊपर। पूरी देखो गाइस कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, और जो मतलब इतने अच्छे व्यू, ये देखो बर्फ़ पड़ रही है। ये अच्छे व्यू में जो एक प्रॉब्लम कर रहे हैं ना मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ये देखो गाइस बर्फ़ पड़ रही। जिस मेन प्रॉब्लम कर रही है वो है मेरे जूते जो पूरे गीले हैं, और ये ट्राउज़र जो पीछे से गीला है पूरा। बहुत ठंडा लग रहा है बस, और अंदर पैकिंग चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पैकिंग, और ये भाई लोग जाने वाले हैं। आगे का प्लान आपको आगे बताता हूँ क्या सीन होने वाला है। गाइस जो बेस्ट पार्ट है, कूड़ा कहीं नहीं फैलाना है, क्योंकि अगर हम लोग ही अच्छा देखने की वजह से अच्छी जो प्रकृति जो नज़ारे हैं वो हम लोग खुद बर्बाद कर देंगे, तो और लोग क्या देखने आएंगे। और एक काम कीजिए, जो भाई लोगों ने ला रखी है मल्टीपर्पज़ के लिए, क्या है ये, क्या नहीं है ये, हथौड़ी है, और मतलब कुछ भी काट सकते हो आप इससे। यहाँ इतने सारे हथियार दबे हो अंदर, बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर। तो चलिए इसका काम दिखाते हैं आप लोगों को। भैया बोल तो दिया, पर निकाले कैसे इसे? लगता है तुम्हें बंद कर पर कोई बदली कभी कहीं कर। हम लोगों ने टेंट उठा दिया है, बाकी यहाँ पे लास्ट पैकिंग चल रही है। लास्ट पैकिंग चल रही है, सबको डन है, फटाफट करना है अब। बस डन है, आयो भाई चलो कैंप डन पे खड़ा करते हैं हो। किस मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक हो से उड़ चला मैं। मिट्टी जैसे सपने एक तावी पलकों से झाड़ों पे आ जाते हैं। कितने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं जोड़े हैं। क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये। अगर ये नहीं मिलता ना हमें, कल हमें कोई चीज़ नहीं मिलती यहाँ तक आने के लिए। उखी मठ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं मिलता हमें, और हमारा कोई प्लान नहीं था। हम तो मतलब होपलेस हो गए थे। ये पर्सन था जिसके रीजन से बना, एंड महादेव इसको इसका नहीं बन पा रहा है। बट हाँ भाई तूने दिल जीत लिया, पूरा मजा आया। अब ये मेरी श्योरिटी है कि एक व्लॉग पक्का मिलेगा कहीं का इसके साथ मेरा, जरूर 110% श्योर। आप पकड़ो, ले ये पकड़।
यहीं रहो भाई को हम बाय बोलेंगे। तो भाई मजा आया यार तेरे साथ। तो भाई अब तो मुझे क्रेडिट दे रहे हो ना कि मेरी वजह से। अरे मैं आपकी वजह से यहाँ आया हूँ यार। मैं बाबता अचानक से मिले, महादेव ने मिलाया और यहाँ तक भी आ गया। हालांकि एक चीज की वो दिक्कत है कि जा नहीं रहा यार ऊपर, ठीक है। तेरे साथ मन लग गया था पूरा, मतलब ये बंदा सच में बड़ा ही जेन्युइन बंदा है, ठीक है। और ये कंफर्म है कि जल्दी इसके बाद दोबारा आएंगे और भाई फिर जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। पक्का प्रॉमिस है, देख ले भाई, पक्का प्रॉमिस है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने इतनी हेल्प कर दी भाई। चल भाई बाय बोल, इसको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारा इसको प्यार दे। और आप सभी भी इसको प्यार देना। इसका चैनल जो होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इसके चैनल को भी सपोर्ट करना है सभी ने, ठीक है। भाई का चैनल हम सपोर्ट करेंगे तो भाई का चैनल भी आगे बढ़ेगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है यार, और तो होता रहेगा बस भाई, सब होता रहेगा यार, सब हो जाएगा, महादेव सब अच्छा करेंगे। चलो ओके, तो मुझे जाना है वापस घर के लिए। तो ये सामान लेके जाने का कोई फायदा तो नहीं है, ऊपर टेंट में बात हो गई है, वहाँ छोड़ देंगे सामान। और अभी मुझे जाना है यहाँ से वापस घर के लिए। अच्छा ये रास्ता वापस जाने का? हाँ ओके। खुश रहो ब्रदर, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड लिव योर लाइफ। जरूरी नहीं होता हर मंजिल पूरी होती है, कभी कभी आधी मंजिल भी बहुत प्यारी होती है, बिकॉज़ उसमें हमें दोस्त मिलते हैं। यस, हर चीजों में भी हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। इवन ये वाली लोकेशन भी भाई चुम्बेश्वरी है, वही तो, मतलब प्राइसलेस है। इसके लिए पहले हम इसके लिए प्लान बनाते थे, अब हमारा लेवल बढ़ चुका है जब से हम ट्रैकर बने। यस, वहां पे लगा हुआ था हमारा टेंट, सामने आप देख सकते हो। और इस समय ओके ठीक है भाई, लव यू यार, ओके ब्रदर, ओके बाय 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 बाय। ओके ब्रदर, ओके ओके बाय बाय। गाइस यहां से मैं हो गया हूं एक सोलो ट्रैकर, क्योंकि जो मेरा ग्रुप है मतलब भाई लोग चले गए आगे, उनको चढ़ना है अस्तुंगनाथ, तो मुझे नहीं चढ़ना है क्योंकि कुछ इश्यूज हैं, हो जाते हैं कभी कभार, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है यहीं से। मैं सामने गाड़ी रोकी हुई है, सामने मैंने स्लीपिंग बैग लिया था, तो वहीं पे वापस करेंगे और वापस निकलेंगे। चलिए हाथ जेब में रखते हैं, क्योंकि मुझे अभी गाड़ी भी चलानी है तो एनर्जी बचा के रखनी होगी। और जो नज़ारे हैं ना क्या बताऊँ, वाह, सोलो ट्रैकर का भी एक अलग ही मज़ा है यार। वैसे ये भाई लोग पहले सोलो ट्रैक करते थे, लेकिन अभी हम लोग तीन कर रहे थे और हम लोग सडनली मिले थे गाइस, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मज़ा आ गया यार। चलिए चलते हैं फिर, आगे बढ़ता हूँ। इधर उधर तधर पुधर कहे पता हवा ले जाए तेरी ओ कीचे तेरी यादें तेरी यादें तेरी ओ यहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे मुझे अपना स्लीपिंग बैग जहाँ से मैंने लिया था, और फिर मेरा थोड़ा सामान और कम हो जाएगा जब मैं स्लीपिंग बैग यहाँ पे दे दूँगा। मज़ा है गाइस, मज़ा, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यार। और गाइस इस ट्रिप को सफल बनाने में मैं सबसे पहले बिष्ट मामा जी का धन्यवाद करूँगा, मौसी जी का धन्यवाद करूँगा, घर वालों का धन्यवाद करूँगा, और जो मेरे साथ ट्रैक करते उनका धन्यवाद करूँगा। बाकी सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस ट्रिप को मेरे नाम करने के लिए और मेरी मदद करने के लिए इस ट्रिप में। और और सूर्य होटल का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया इस चाय के लिए, इस चाय की बहुत ही ज्यादा जरूरत इस टाइम पे। ले लो नीचे की तरफ, यही बराबर होगी।
अच्छा भाई जी, ठीक है, धन्यवाद भाई जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यारों सी उप चलिया मैं तुम अचानक से बढ़े ना प्लान, फिर तू मेर राम लेख ये मामा जी से नहीं, खास मामा ना, खास से नहीं से। अच्छा देखो गाड़ी की क्या हो रखी है, इसे हटाना पड़ेगा मेरे को एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले सीट साफ करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और अभी ऐसे हो रही ना गाड़ी, ऐसे चलानी पड़ेगी। चलिए निकलते हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और ऊपर इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी घुटने तक, अभी तो आ गया है लेकिन जूते के लेवल तक। अगर यहाँ राइड कर दिया ना, आप कहीं भी राइड कर सकते हो, मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था। गाड़ी किसी भी टाइम थोड़ा अगर एक सेकंड के लिए आपने नज़र हटाई और गाड़ी सीधे फिसल रही, काफ़ी प्रॉब्लम गाइस। हाँ भाई, मैं यही लोकल हूँ, ओके, हाँ मैं ब्लॉगर, मैं यही लोकल उखी मठ से आगे मधवेश्वर साइड से हूँ, देवभूमि से शुभम रावत मार रहे हैं आपका, बिल्कुल जरूर। अभी अभी वीडियो बना दी? हाँ बस बन गई है, हाँ ठीक है, हमें बता दो फिर, हमें लाइक कर देंगे। हाँ देवभूमि से फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ है जान नीचे में तुम्हारे मुंह हवाले। हम तो याद मार जाना हो, ठीक ठाक, बढ़िया चलन चाहिए, ऐसा हालत खराब है कि चल यार चाहिए कोई है ना। लोग बाग मिलो दूर वादियां, अरे ठंडू अभी तो ठंडू है, तेरे से चली ना सर, क्यों जा एक यार ब्याह है इसमें, आओ है। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैंने मतलब आयुष भाई ने चाय पिलाई, बंद खाया मैंने, अभी थोड़ा ठीक है, कंडीशन नॉर्मल हो गई है। धूप पे थोड़ा देर तक बैठा, जो पैंट गिली थी वो सूख गई, अभी सब ठीक है, सब ओके है, रोड आगे बिल्कुल ठीक है। अभी निकलता हूँ यहाँ से, जाऊँगा पहले मौसी के रूम पे, फिर वहाँ से आगे का प्लान बताता हूँ। बाकी जो मैं रोड क्रॉस करके आया हूँ ना, जो रोड क्रॉस करके आया हूँ, ऐसे लग रहा भाई मैं प्रो राइडर हूँ। हाँ मैं हूँ प्रो राइडर, क्योंकि मैंने गाड़ी सिर्फ शुरू में जब स्टार्ट की तब एक बार लिटाई थी, उसके बाद कहीं भी मैंने गाड़ी नहीं लिटाई, और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि क्या बताऊँ, कांट एक्सप्लेन, कि ब्रेक मार के फिर भी गाड़ी खुद ही ऐसे स्लिप हो रही, आगे दोनों पाँव घिस घिस के रुकनी पड़ रही थी। बाकी किसी टाइम तो थोड़ा ब्रेक तेज़ लग रहा तो आगे का टायर और पीछे का टायर अपने से आगे निकल जा रहा है, पर गाड़ी झुकी नहीं। मज़ा आ गया गाड़ी, अभी मेरे को खुद पे विश्वास हो गया मैं कोई भी ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह गाड़ी चला दी ना। तो शुरू में मैंने सोचा कि काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि मैंने एक बार सोचा कि बस क्विट कर देता हूँ, गाड़ी यहीं रखता हूँ, नहीं जाऊँगा, यहीं रुक जाता हूँ, जब बर्फ़ कम हो जाएगी तब निकल जाऊँगा, पर नहीं, इतनी प्रॉब्लम हुई। छोड़ो अभी मैं निकल रहा हूँ वापस घर के लिए। बाकी यहाँ पे आयुष भाई को थैंक यू, अगर किसी को रुकना है तो मक्कू बैंड पे, आयुष भाई का होटल ये रहा और उधर दुकान है, तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। ये है मक्कू बैंड, इधर मक्कू के लिए जाती है, ये वाला होटल। ठीक है फिर चलते हैं, हम लोग भी बढ़ते हैं आगे। सब चली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला है। फाइनली आज झूठ नहीं किया आपने, ना ना जरा सुनो तेरे घर सीन है, मजे की ठंड लगी, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं कफा नहीं। यहाँ पे आया, लंच किया, मज़ा आ गया, मतलब जो बची कुछ जो भूख थी, थकान थी, चाय और खाने ने सब कुछ मिटा दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, मतलब मैं जा रहा हूँ घर, मौसी जाएंगे ड्यूटी और भाई लोग रहेंगे घर में।
स्कूल का होमवर्क करेंगे। तो चलिए निकलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि वेदर रिपोर्ट बता रही है आज शाम कोई मौसम ख़राब हो सकती है, बारिश लग सकती है, तो जल्दी निकल जाएंगे घर के लिए। तो भाई मिलते हैं रास्तों में या फिर घर में। बाय बाय मज़ा मिलना फिर तक। पहले तक घर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मेरे को, लेकिन आज कल चुपता करके आए ना तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, सब नॉर्मल लग रहा है। वहाँ काफ़ी ठंड थी यार, मतलब पहला वो मेरा विंटर का पहला ट्रैक था, पहला नाइट कैंप था, पहला नाइट स्टे था, जो बोले पहला था गाइस विंटर में। तो मतलब पहला था तो बहुत कुछ सीखा गया, क्या क्या सीखा हो तो घर जाके बताता हूँ, बाकी मज़ा काफ़ी आया यार। अभी गांव पहुंच गया तो सुकून ही सुकून है। पीछे मेरा घर और घर पहुंचे बारिश शुरू, दिख रही नहीं दिख रही पर ये पड़ रही है। जैसे अचानक से टेम्परेचर गिरता है ना तो बारिश ने गिरने की जगह ओले भी नहीं होते हैं, वो बारिश भी नहीं होती है, छोटे उसे बोलते हैं गढ़वाल में यूं किल, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वही गिर रहे अभी। बाकी मैं घर पर पहुँच गया हूँ, भीगने नहीं पड़ेगा। चलिए फिर पीछे चौखंबा का व्यू दिखाता हूँ अभी क्या हो रहा है। ये देखिए ऊपर हो रही बर्फबारी, यहाँ पर भी हो रही बर्फबारी, पीछे तो नाथ में भी होने वाली है, और इधर का मौसम तो क्या ही किलर हो रहा है, तगड़ा एकदम। जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं एक बार। तो गाइस गुड इवनिंग, मैं मतलब हाथ में धुल के पूरे एकदम अभी फ्रेश फील कर रहा हूँ। ऐसे मैंने ऑफिस वर्क में सब कुछ कर दिया था, मतलब हाथ में धुल दिया था, सर धुल दिया था, वहीं थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था। फिर अभी वापस घर में अपने रूम में आ गए और रिलैक्स होते हैं ना कि मतलब एक ट्रिप के बाद बहुत थकान लग जाती है, मतलब शरीर का हर रोम रोम हर अंग अंग हर रोम रोम कांपना शुरू हो जाता है, वही हो रहा है अभी। चे शरीर को दादी पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रही, ब मैं बोला रोम रोम कांप रहा, दादी बोली ब। तो गाइस तो कंक्लूजन ऑफ द ट्रिप, तो साइक गाइस जो कंक्लूजन है, सबसे पहले अब थोड़ा कंक्लूजन पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग, ये मेरी पहले विंटर वाली ट्रिप थी, पहला नाइट कैंप था, तो जो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ होना चाहिए एक अच्छे पार्टनर जो साथ में जा रहे होंगे, अच्छे ट्रैकर जो खुद को संभाल सकें, क्योंकि खुद को संभालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक आदमी खुद को भी संभालेगा दूसरे को संभालेगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी मेरे साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों भाई लोग पहले से ट्रैकर हैं, तो ऐसी वो ये वाली सिचुएशन, ये वाली प्रॉब्लम तो हम लोग को फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग खुद सब हम तीनों खुद को संभाल सकते थे। बाकी एक टीम वर्क होना चाहिए, और ठंड काफ़ी थी तो हम लोगों ने टाइम पे खाना बनाया, और हम लोगों ने प्लान किया कि रात में खाना बनाएंगे, क्योंकि एक तो हम लोगों ने शाम को बना दिया, थोड़ा टेंट गर्म हो गया, फिर हम लोगों ने खाना बनाया रात में, फिर वहाँ पे भी थोड़ा टेंट गर्म हो गया था, फिर अच्छी नींद आ गई थी। बाकी अभी जो गलती हो गई थी वो थी जूते गीले नहीं होने चाहिए थे, और जो बोलते हैं ना ये कंपनी का बैग है, ये कंपनी की ये चीज़ है, ये कंपनी का ये चीज़ है, ये वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, कुछ नहीं होता है गाइस। सबसे अच्छा है आप अपने साथ पॉलीथीन रख लो, और जो कपड़े हैं हर कपड़े को एक एक पॉलीथीन में पैक कर लो, जूतों को उतार के फिर से पॉलीथीन में डाल दो, क्योंकि कुछ भी वाटरप्रूफ नहीं होता है, सब फेक है, तो पॉलीथीन का यूज़ करो। फिर खाने के लिए ये सब रखो कि जो आप लोग बहुत जल्दी बना सको, क्योंकि भूख पता ही नहीं चलेगा कब लग जाएगी, और आग का कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए जिससे आप लोग, मतलब अगर पानी ख़त्म भी हो गया जैसे हम लोग को था कि बर्फ़ पिघला के पी ली, तो ये तो पानी रखो नहीं तो बर्फ़ पिघला सको एटलीस्ट। तो बाकी सब ठीक है, अभी घर पे हैं सब लोग, मतलब मज़ा आ गया एक विंटर ट्रिप करके। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस, पहली ट्रिप था तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मेरे को इस ट्रिप से। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक करें, बोल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, ते ही आता भी बोल लो, बर्फ भी आए हुए हैं, बर्फ देख जो, टेक केयर बोल, टेक केयर, यू अभी आई हूं तो गाइस यहां ऊपर ऊपर भी पड़ी है बर्फ, पर घर तक नहीं आई, टाइम टाइम पड़ी ना भाई। ओके तो चलिए गाइस बाय बाय।
टाइम है बाय बोलने का। टेक केयर टेक केयर टेक केयर, जल्द मिलेंगे एक शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।